हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज ईवे बिल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा था कि सर, डिस्टेंस जो है हमारा 50 किलोमीटर से कम है, तो क्या ईवे बिल बनाना है? अगर बनाना है तो इसका जो पार्ट बी है वो अपडेट करना है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी क्वेरीज थी जिसको मैंने कंपाइल किया है, और आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, ईवे बिल इज मस्ट इवन इफ डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। मतलब कि अगर दूरी जो है 1 किलोमीटर भी है, दूरी कितनी भी है, तो आपको ईवे बिल बनाना जरूरी है। लेकिन कुछ कंडीशंस है कब कब बनाना है और कब कब नहीं बनाना है, आइए देख लेते हैं। देखिए, ईवे बिल तभी बनाना है जब जो सामान का जो वैल्यू है, माल का जो वैल्यू है, वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो टैक्स मिला के। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर, वैल्यू में टैक्स इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? तो इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर टैक्स मिला के सामान की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ईवे बिल बनाना है, दूरी कितने भी हो। 50,000 से ज़्यादा का सामान हो गया तो दूरी का कोई मतलब नहीं है, दूरी कितने भी हो फिर बनाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माल या सामान जो है वो किसी मोटर गाड़ी यानी कि मोटोराइज्ड व्हीकल से जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप रिक्शा से भेज रहे हैं, या फिर ठेला जो होता है उससे भेज रहे हैं, या फिर बुलोक कार्ट से भेज रहे हैं, बैलगाड़ी, या फिर तांगा भी कहीं कहीं चलता है इससे भेज रहे हैं, तो इन सब केसेस में जो आपको ईवे बिल नहीं बनाना है। ईवे बिल तभी बनाना है जब आप गाड़ी जो है मोटर वाली गाड़ी से सामान भेज रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़, माल या सामान एग्जम्प्टेड लिस्ट में नहीं है। एग्जम्प्टेड लिस्ट मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ जो आइटम है उसको एग्जम्प्ट कर दिया है, बाहर कर दिया है कि अगर ये सामान आप भेज रहे हैं, मूवमेंट है इस सामान का, तो फिर 50,000 से ज़्यादा का भी अगर वैल्यू हो और वो एग्जम्प्टेड लिस्ट में शामिल है तो उसके लिए ईवे बिल नहीं बनाना है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। और एक और बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, उन्होंने बोला है कि सर, हमने कहीं देखा है कि 50 किलोमीटर से कम का अगर डिस्टेंस है तो ईवे बिल नहीं बनाना है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये है कि ईवे बिल तो आपको बनाना ही बनाना है। ईवे बिल जो है आपको 50 किलोमीटर जो बात कहता है वो क्या कहता है कि अगर, यहाँ देखिएगा, होता क्या है कि तीन जो है लोग मिले होते हैं अगर कोई सामान हम भेज रहे हैं, तो एक सप्लायर जो कि माल भेजता है ट्रांसपोर्टर के थ्रू कंसाइनी यानी कि बायर को। ठीक है, तो होता क्या, आप देखिएगा, अगर सप्लायर से ट्रांसपोर्टर की, मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ, मुझे माल भेजना है कहीं, बट मेरा ट्रांसपोर्टर जो है वो मुझसे काफ़ी दूरी पे रहता है। ठीक है, तो अगर जो है सप्लायर और ट्रांसपोर्टर एक ही स्टेट में है और डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर तक है, ठीक है, तो ईवे बिल बनाना है, उसका पार्ट बी नहीं बनाना है। मैं भी आपको बताता हूँ पार्ट बी क्या होता है। ठीक है, उसी तरह है कि अगर ट्रांसपोर्टर से बायर यानी कि कंसाइनी की दूरी जो है 50 किलोमीटर तक है इंटरेस्टेड, ठीक है, विद इन द स्टेट, तो ईवे बिल बनाना है, उसका पार्ट ए बनाना है, पार्ट बी जो है वो नहीं फिल करना है। पार्ट बी में क्या क्या होता है? पार्ट बी में हमें व्हीकल की डिटेल डालनी होती है, गाड़ी नंबर, ठीक है, ये डालना होता है, गाड़ी का डिटेल। ठीक है, अब एक दो लोगों का मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि सर, ठीक है, वो तो हम बना लेंगे, बट जो है इस केस में सप्लायर टू ट्रांसपोर्टर या फिर ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी, इस केस में हम कैसे बनाएंगे ईवे बिल? ठीक है, तो ईवे बिल में आप टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स डाल सकते हैं, या फिर डिलीवरी चालान बना लीजिए, या फिर अदर्स, जैसे केवल इसके लिए कोई अलग आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल्स डाल के और ईवे बिल बना सकते हैं। अब देखिए, ये बातें मैंने कहाँ से कही है, ये मैंने FAQ से उठाया है, GST की साइट से। ठीक है, ईवे बिल वाला जो साइट है वहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वही बातें केवल मैं कंफर्म कर रहा हूँ जो मैंने आपको बता दिया है। ये ऊपर क्वेश्चन था कि वेयर पार्ट बी इज मस्ट फॉर ईवे बिल, तो ईवे बिल का पार्ट बी मस्ट होता है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जब तक आप पार्ट बी फिल नहीं करते हैं तब तक ईवे बिल को वैलिड नहीं माना जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। यही एक्सेप्शन है कि अगर सप्लायर और ट्रांसपोर्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है और दोनों सेम स्टेट में है, विद इन द स्टेट है, तो उस केस में आप पार्ट ए फिल कीजिए, पार्ट बी फिल मत कीजिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन दिया गया है और आपका जो ईवे बिल है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, और वही ये बता रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि देखिएगा, हाउएवर वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, ठीक है, फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन देन द व्हीकल नंबर इज नॉट मैंडेटरी, और व्हीकल नंबर अपना पार्ट बी में आता है, और सिमिलर एक्सेप्शन अप टू 50 किलोमीटर हैज बीन गिवन फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर। ये FAQ से मैंने उठाया है साइड से। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं लेस देन 50 किलोमीटर, ये अप टू 50 किलोमीटर है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जैसे यहाँ पे है ना अप टू 50 किलोमीटर वही है। तो यही चीज़ें मुझे याद बतानी थी, क्योंकि 3 जून से
ऑल इंडिया में अपना जो है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट में भी ई वे बिल लागू हो जाएगा, तो सबको बनाना ही पड़ेगा। और एक काम कीजिए आप लोग कि लगभग लगभग बहुत सारे 27 मतलब कि जगहों पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी बना के जो अपना है ई वे बिल लागू हो गया इंटरेस्ट रेट में, जिसमें से एक मणिपुर है जिसने 25 तारीख से ई वे बिल चालू कर दिया है, बट वो ट्रायल बेसिस पे है, तो 3 जून से तो उसको भी लागू हो ही जाना है। तो आप लोग जो है ई वे बिल के साइट पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ई वे बिल कब कब बनाना है और कैसे बनाना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा। तो होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।